दोस्तों, एस के टेक्निक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मोबाइल से पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से, जो कि जैसे आप पैन कार्ड जब आप ऑनलाइन करवाए होंगे जहाँ पे किसी भी सर्वर के पास, तो दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा आप उसी पर मैसेज आया होगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पैन कार्ड बनवाते समय मतलब मोबाइल नंबर ऐड नहीं कराया है, तो यह वीडियो आप न देखें, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पे, दोस्तों मोबाइल अब आपको आना है अपने एसएमएस में। दोस्तों एसएमएस में आने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है जो वो एसएमएस जो आपको पैन कार्ड की तरफ से एसएमएस आया होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि वो एसएमएस कैसे रहता है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ एसएमएस, उस एसएमएस पे क्या नाम लिखा रहता है। दोस्तों उस एसएमएस पे ये नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे यही कुछ इस प्रकार का एसएमएस आपके पास आया होगा। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, दोस्तों आपको इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जो एसएमएस आया होगा उस एसएमएस पर एक बार टैप करना है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पर टैप करना है, ये वाला इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। दोस्तों यहाँ पे आप टैप जैसे ही करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ब्राउज फीचर का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे किस ब्राउज से आप खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों ओपन मतलब क्रोम से ही आप ओपन कीजिएगा। तो दोस्तों मैं क्रोम से ही ओपन करूँगा और डाउनलोड करूँगा। तो दोस्तों यह ऐसे करने से दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन खुलने लगा। तो दोस्तों इसे खुलने दे, तो खुल गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप यहां से देखिए, इसको आपको यहां पे कंटिन्यू करना होगा। तो दोस्तों मैंने कंटिन्यू कर दिया, एक बार और आपको यहां पे सिंपल दिखा करके कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहां से सिंपली कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है डाउनलोड पैन कार्ड। देखिए दोस्तों इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है ना, तो ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, ये वाला। तो दोस्तों आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, इसे ओपन करना है। दोस्तों ओपन हो रहा है। दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक ज़रूर से करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फिलअप कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एसएमएस में जो नंबर आया होगा मैं दिखा रहा हूँ अभी, वो फिलअप करना है। और दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे ये वाला एसएमएस जो है इस जगह पे फिलअप करना है। तो दोस्तों मैं वो जो एसएमएस के वो एसएमएस आया है वो वाला नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला नंबर ही है 2785, एक बार और देख लीजिए दोस्तों, ये वाला नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों मैंने फिलअप जैसा कि दोस्तों मैंने नंबर फिलअप कर लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला नंबर फिलअप करना है। तो दोस्तों मैं ये वाला कर लेता हूँ फिलअप, MTL M5, इसको एकदम ध्यान में रख करके ही फिलअप करना है। अब दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर दबा देना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट करेंगे आप दोस्तों, तो ये वाला आपको कुछ अलग ढंग का खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड ऑफ ई पे, मतलब कि आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और ब्रश दे, मतलब आप किस कैटेगरी से OTP चाहते हैं। तो आप दोस्तों बूथ से चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर से चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी से। तो दोस्तों मोबाइल नंबर से हमें जानना है, तो दोस्तों हमने मोबाइल नंबर यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसे भी हमें ओपन, यहां पे भी हमें साइन करना है। दोस्तों इसे भी हम दबा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जनरेट OTP यहां देख सकते हैं दोस्तों, इस पे हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों हम इसे भी क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यह मेरा ओपन हो गया है। तो दोस्तों हमें अब OTP यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों मेरा OTP आ गया है 23 20 34। दोस्तों अब हमें वैलिडेटेड कर देना है।
जैसे ही हमें इसे करेंगे तो दोस्तों हमारा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम क्लिक किए तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये डाउनलोड PDF है। तो दोस्तों मैंने पहले ही क्लिक कर दिया तो मेरा डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों डाउनलोड होने देते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिख रहा है दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोडक्ट एंड पासवर्ड टू ओपन द सेम इज डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको यहाँ पे पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा डाउनलोड हो रहा है, जैसा कि दोस्तों मेरा डाउनलोड हो गया है आप नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। दोस्तों अब इसे डाउनलोड हो गया तो दोस्तों इसे आप हमने ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारे साथ हमारे से ये पासवर्ड मांगेंगे। दोस्तों हम पासवर्ड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। दोस्तों मैं डेट ऑफ बर्थ भर लेता हूँ। दोस्तों यह देखिए ये मेरा पिताजी का है, ये डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे पैन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट में बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।